दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वीवो वाई 17 के बारे में कि अगर इसमें गूगल अकाउंट है या पिन है या पैटर्न है, तीनों को आप जो है मेडिकल बॉक्स से इसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां सामने देख सकते हैं इस मोबाइल के अंदर में जो है गूगल अकाउंट मांगा जा रहा है, ठीक है। तो इस मोबाइल का पिन हो या चाहे पैटर्न हो चाहे गूगल अकाउंट हो, ठीक है, तीनों को जो है आप मेडिकल बॉक्स से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आपको मोबाइल को ऑफ करना है, ठीक है। मोबाइल को ऑफ करने के बाद जो है कोई भी बूट की आपको नहीं दबाना है, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं मेडिकल बॉक्स में किस तरह से आपको इसे रीसेट करना है। तो सबसे पहले आपको मेडिकल टूल ओपन करना है, यहाँ फॉर्मेट पे चेक लगाना है, उसके बाद यहाँ पे सेव का चेक हटाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे वीवो वाई 83 वाले बूट को सिलेक्ट करना है, स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे नो कर देना है और मोबाइल को ऑफ करना है। ऑफ करके डायरेक्ट आपको जो है केबल लगाना है, डाटा केबल से कनेक्ट करना है मोबाइल को आपको बिना बूट की दबाए हुए, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल जो है बूट कर जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस मोबाइल को बूट कराते हैं ऑफ करके, और कोई बूट की हम इसमें नहीं दबाएंगे, डायरेक्ट आपको लगाना है, ठीक है। बिना बूट की दबाए हुए आपको मोबाइल को लगाना है, ऑटोमेटिकली मोबाइल बूट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल जो है बूट कर चुका है, और इस मोबाइल का पिन पैटर्न FRP जो है तीनों जो यहाँ से रिसेट होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑप्शन आ चुका है, इस ऑप्शन पे बाय डिफॉल्ट रहने के देना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और जैसे आप ओके करोगे कुछ ही सेकंड के अंदर में जो है आपका पिन पैटर्न और गूगल अकाउंट जो है रिसेट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम आपको दिखाते हैं इस मोबाइल को सेटअप करके, और इस मोबाइल का मॉडल नंबर भी आपको दिखाते हैं कि ये मोबाइल कौन सा मॉडल नंबर है, क्योंकि इसी मॉडल में है कई मॉडल आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आपको मोबाइल के अंदर में हम सेटअप करके आपको दिखाएंगे कि ये जो मोबाइल का जो मॉडल नंबर है, ठीक है, इसका CPH कितना है, ठीक है। तो चलिए पहले हम सेटअप करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका मॉडल नंबर। तो दोस्तों, हम इस मोबाइल के जो है सेटिंग में आ चुके हैं। आप यहाँ पे इसका मॉडल नंबर देख सकते हो कि इसका मॉडल नंबर क्या है। आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे कि इसका जो मॉडल नंबर है वो जो CPH है कितना है, ठीक है। तो आप आसानी से इस मोबाइल का पिन पैटर्न FRP रीसेट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें।